आहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर वही का इब्तदाई दौर अच्छे सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मिन जानिब कुदरत आप तन्हाई पसंद हो गए और आपने गारे हिरा में खलवत नशीनी इख्तियार फरमाई और कई कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद इलाही और ज़िक्र में मशगूल रहने लगे। जब तक घर आने को दिल ना चाहता तोशा हमरा लिए हुए वहाँ रहते। तोशा ख़त्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा हज़रत खदीजा रदिल्लाहु ताला अन्हा के पास तशरीफ़ लाते और कुछ तोशा हमराह लेकर फिर वहाँ जाकर खिलवत गुजी हो जाते। यही तरीक़ा जारी रहा यहाँ तक के आप पर हक मुनकशिफ हो गया और आप गारे हिरा ही में क़याम पज़ीर थे कि अचानक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास हाज़िर हुए और कहने लगे कि आए मोहम्मद पढ़ो। आप फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने ज़ोर से भींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उस फरिश्ते ने मुझको नहायत ही ज़ोर से भींचा कि मुझको सख्त तकलीफ़ महसूस हुई। फिर उसने कहा कि पढ़। मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको भींचा, फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फुटकी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियां करने वाला है। बस यही आयतें आप हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में गारे हिरा से वापस हुए कि आपका दिल इस अनोखे वाक़े से कांप रहा था। आप हज़रत खदीजा के हाथ तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। लोगों ने आपको कंबल ओढ़ा दिया। जब आपका डर जाता रहा तो आपने अपनी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा को तफसील के साथ ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आपकी अहलिया मोहतरमा हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने आपकी ढारस बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। अल्लाह की कसम आपको अल्लाह कभी रुसवा नहीं करेगा। आप तो अखलाक फाजिला के मालिक हैं, आप तो कुंबा परवर हैं, बेकसों का बोझ अपने सर पर रखते हैं, मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं, मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अमर हक का साथ देते हैं। ऐसे औसाफ हसना वाला इंसान यूं बेवक्त जिल्लत व ख़ारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मज़ीद तसल्ली के लिए हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको वरका बिन नौफिल के पास ले गईं, जो इनके चचाजाद भाई थे और ज़माने जाहिलियत में नसरानी मजहब इख्तियार कर चुके थे और इब्रानी ज़बान के कातिब थे। चुनाचा इंजील को भी हस्ब मनशाए खुदावंदी इब्रानी ज़बान में लिखा करते थे। इंजील सरियानी ज़बान में नाजिल हुई थी, फिर इसका तर्जुमा इब्रानी ज़बान में हुआ। वरका इसी को लिखते थे। वो बहुत बूढ़े हो गए थे, यहाँ तक कि उनकी बिनाई भी रुखसत हो चुकी थी। हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने उनके सामने आपके हालात बयान किए और कहा कि ऐ चचाजाद भाई, अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी ज़रा इनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे, आपने जो कुछ देखा है उसकी तफसील सुनाओ। चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
از اول تا آخر پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ تو وہی ناموس معزز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے، حالانکہ میں تو ان میں صادق و امین و مقبول ہوں۔ ورقہ بولا، ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح امر حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے ہیں۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری پوری مدد کروں گا۔ مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے، پھر کچھ عرصے تک وحی کی آمد موقوف رہی۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 3۔